अभिनव शुक्ला। दोस्तों हम सबको पता है कि अभिनव शुक्ला वो कंटेंडर है जो कि बिग बॉस के घर के डार्क हॉर्स हैं, और फैंस ने कुछ ऐसे ही कदम उठा दिया है। वैसे आपका स्वागत है फीफा फूज में, मैं राहुल भोज। बताना चाहता हूं आपको एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अभिनव शुक्ला दोस्तों हम सबको पता है कि वो हमने उनका उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये बंदा जो आया है ये 2-3 हफ्ते मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये आउट हो जाएंगे, राइट? हमको ऐसे ही लग रहा था, जिस तरीके से सलमान खान उन्हें बैच पे बैच कर रहे थे वो औजार के लिए, स्क्रू ड्राइवर के लिए और ये सारी चीजें। लेकिन हमने देखा एक अलग मंजर, हमने देखा कि अभिनव शुक्ला जो है दोस्तों वो बहुत आगे आते हैं टच फूड, एंड 100 दिन घर के अंदर बिताना ये बड़ी बात होती है दोस्तों। और अभिनव शुक्ला आते हैं, अभिनव शुक्ला ऐसे खड़े होते हैं जैस्मिन और वो रो रहे हैं, और फिर उस मतलब अभिनव नहीं रो रहे, बाकी सभी रो रहे हैं, एली, जैस्मिन और ये रुबीना तीनों रो रहे हैं और अभिनव शुक्ला एकदम स्ट्रांगली खड़े हैं। अब दोस्तों यहां पर कुछ ऐसा रिजल्ट आया है, हम सबको पता है, मैं ऑफिशियली नहीं बता सकता लेकिन हम सबको पता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, लेकिन अभिनव शुक्ला का 100 दिन दोस्तों आगे बढ़ गया है। जी हां, अभिनव शुक्ला इस हफ्ते भी सेव हो गए क्योंकि राखी सावंत ने उन्हें सेव कर दिया है दोस्तों, और अभिनव शुक्ला जो है आगे धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं और उनकी इसी जीत पर, उनके इसी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके फैंस, और एक हैशटैग चालू करने की बात है दोस्तों, वो है डार्क हॉर्स अभिनव। जी हां दोस्तों, अभिनव शुक्ला के फैंस और रुबीना दिलैक के फैंडम ने मिलकर एक हैशटैग सोच लिया है जो है डार्क हॉर्स अभिनव, और जल्द ही वो सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से आगे बढ़ेगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कि आखिरकार अभिनव शुक्ला के फैंस किस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। रियली एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, जो भी होगा रिजल्ट आएगा, जैसा भी आएगा, जितना भी वो अचीव करेगा, मैं तो हूं ही चैनल में बताने के लिए ये सारी बातें, तो आप बने रहिएगा फीफा फूज के साथ, कहीं मत जाइएगा, ठीक है? डार्क हॉर्स अभिनव।